रेखा सेठ जी भी उपस्थित हैं, आपका भाई स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। ये 9 दिवसीय ऑनलाइन लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन सीरीज जो कि हम वाद्य विभाग मंच कला संकाय की ओर से सितार में कर रहे हैं। टेक्निकल एंड एस्थेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सितार प्लेइंग विद स्पेशल रेफरेंस टू द रियाज रेपर्टुअर एंड द प्लेइंग स्टाइल्स ऑफ डिफरेंट घरानास। ये विषय हमने चुना है और इस विषय से संबंधित हम अपने देश के बहुत से ऐसे महान विद्वानों को, कलाकारों को अपने साथ जोड़ पाए हैं। उनका हमें सानिध्य मिल रहा है, उनके सपोर्ट से हम ये 9 दिवसीय व्याख्यान माला कर पा रहे हैं। इसका प्रारंभ 29 जून को हुआ और आज हमारे बीच इसी व्याख्यान माला के अंतर्गत इस देश के मूर्धन्य कलाकार, महान सितार वादक डॉक्टर पंडित हरविंदर शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करती हूँ और उनका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस व्याख्यान माला में हमारे साथ ना सिर्फ इस देश से बल्कि विदेशों से भी कुछ पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं। मंच कला संकाय के कुछ ओवरसीज स्टूडेंट्स भी इस व्याख्यान माला में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं देश के विभिन्न विद्वान और कलाकार, स्कॉलर्स, एकेडमिशियंस, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, हमारे बनारस के एफिलिएटेड कॉलेजेस से भी प्रतिदिन हमारे साथी अलग अलग कॉलेजेस के टीचर्स, प्रोफेसर मीनू पाठक जी, प्रोफेसर गीता सिंह जी, डॉक्टर अनामिका दीक्षित जी, डॉक्टर सुमन सिंह जी, डॉक्टर जीपेंद्र नारायण गोस्वामी जी और बहुत से कलाकार और फैकल्टी मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे संकाय के सारे टीचर्स का हमें सपोर्ट मिल रहा है, वो भी समय निकाल के प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इस व्याख्यान माला में हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर संगीता सिंह जी का बहुत सपोर्ट रहा है और हमारे संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश शाह जी का भी मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है। तो अब और समय ना लेते हुए मैं हमारी विभागाध्यक्ष मैडम प्रोफेसर संगीता सिंह जी को सादर आमंत्रित करती हूँ और उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे स्वागत उद्बोधन देकर इस सत्र का प्रारंभ करें। और उनसे मैं यह भी विनम्र निवेदन करती हूँ कि हमारे आज के कलाकार और व्याख्याता पंडित हरविंदर शर्मा जी के लिए सम्मान पत्र का भी वाचन करें। धन्यवाद सुप्रिया जी। सभी विद्वत जन को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं छोटे से मोबाइल में देख नहीं पा रही हूँ। सभी गुरुजन को चरण स्पर्श प्रणाम मेरा। वाद्य विभाग द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला का आज चतुर्थ दिवस है और जैसा कि सभी जानते हैं, इसके पहले पंडित प्रतीक चौधरी जी ने बहुत ही सुंदर, उनका व्याख्यान था दोनों हाथों का संचालन, हाथों का रख रखाव पे, बहुत ही बढ़िया आपका व्याख्यान था जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभप्रद था। द्वितीय दिवस में प्रोफेसर साहित कुमार नाहर जी का जो गतों से संबंधित बातों पे प्रकाश डाला कि विभिन्न प्रकार की किस प्रकार की बंदिशें होती हैं, उससे भी सारे विद्यार्थियों का बहुत ही गुरुजी प्रणाम बहुत ही लाभप्रद रहा है। और तृतीय दिवस के व्याख्यान में हमने सितार तथा विचित्र वीणा से हमारे डॉक्टर संजय वर्मा जी ने हमें अवगत कराया, हमारे विद्यार्थी जितने हैं सब विचित्र वीणा को भी सुने। आज के व्याख्यान में पंडित हरविंदर शर्मा जी का मैं बहुत हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सर, आपका हर कभी भी व्याख्यान हुआ है आपने उसकी स्वीकृति दी
और हम बहुत ही अनुग्रहित हैं कि हमेशा ही विभाग में आपका सदा ही व्याख्यान होता रहा है, और आपने कभी भी जब भी हमारे डीन सर या हम लोगों ने आग्रह किया, आपने हमेशा सहर्ष स्वीकार किया, और हमारे विभाग में आपका सदैव ही हमेशा जब भी होता है व्याख्यान होता रहता है। इससे हमारे विद्यार्थी बहुत ही लाभान्वित होते हैं, तो इसके लिए हम सब विभाग की ओर से बहुत ही अनुग्रहित हैं सर आपके लिए। और आज मैं अपने संकाय प्रमुख का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतना सुंदर संयोजन किया, और जिससे कि सारे विद्यार्थी, सारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इससे निरंतर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे सारे विभाग के विभागाध्यक्ष जो हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे विभाग के सारे अध्यापक पीछे से उनका बहुत सपोर्ट रहता है और वो निरंतर लगे हुए हैं, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी अंजलि जो कि ऐसा कठिन काम कर रही है कि हम लोग तो थोड़ा सा रेस्ट भी ले रहे हैं, वो निरंतर जो तकनीकी से संबंधित हमारे कार्यों को देख रही हैं, तो उनके लिए बहुत विशेष आभार मैं व्यक्त करती हूँ। और भी जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं, सारे विश्वविद्यालय के जितने भी हमारे अध्यापक गण हैं, हमारे शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, मैं इससे जुड़े हैं, तो उनके लिए भी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही आज के सम्मान में मैं सर के बारे में मैं इस सम्मान पत्र को पढ़ती हूँ। वाद्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय BHU द्वारा आयोजित सितार में हो रही व्याख्यान माला में पंडित हरविंदर शर्मा जी के उत्कृष्ट ज्ञान व वक्तव्य से संगीत जिज्ञासियों को अभिसिंचित करें। वाद्य विभाग आपके इस अमूल योगदान के लिए आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत गौरवान्वित है व आपके इस अप्रतिम सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता है। साथ ही मैं अभी पुष्पा मैम को भी चरण स्पर्श करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज आप आई, मैं बहुत खुश हूँ मैम, आपको प्रणाम, और आप निरंतर रहिए, आप सुनिए जी, प्रणाम। और मैं मंच को सुप्रिया जी को दे रही हूँ। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। सत्र को आगे बढ़ाते हुए अब मैं संकाय अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर राजेश शाह जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। धन्यवाद सुप्रिया जी, मुझे आज अत्यंत हर्ष हो रहा है ये कहते हुए कि इस व्याख्यान माला के और माने और गौरवशाली बनाने के लिए मैंने कल से जो प्रयास शुरू किया। मैं बताना चाहता हूँ सभी को कि मैंने पूर्व आचार्यों जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में, सितार के क्षेत्र में बहुत काम किया है, ऐसे लोगों से करीब 2 से 3 घंटा कल से आज तक में मैंने बात की है, जिसमें पंडित सतीश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, पंडित प्रोफेसर रूप कुमार सोनी जी हैं। रात को मैंने पुष्पा मैडम को फोन करके कहा, सभी ने इच्छा जाहिर की आने की, लेकिन उनकी समस्या ये थी कि वो कैसे जुड़े, उनको आता नहीं है इस तरह का टेक्निकल चीजें। तो खैर, अभी पुष्पा मैडम को तो मैंने सतीश जी को भेज करके काम उनका हो गया। रूप कुमार सोनी जी से मैंने निवेदन किया है, मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर आप आइए हम लोग के समक्ष। और पंडित सतीश चंद्र श्रीवास्तव जी से मैंने करीब 1.25 घंटे कल रात में बात की, उन्होंने इतनी जानकारी उनके पास उन्होंने हमको दी, लेकिन मैं उनके मुख से सुनना चाहता हूँ। और मैं निवेदन आज किया था तो शायद पता नहीं आए हैं कि नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो उपस्थित हैं कि नहीं। अगर आए हैं तो मेरा सादर प्रणाम, सभी लोग स्वीकार करेंगे। हमारी व्याख्यान माला के जो अतिथि वक्ता हैं सभी करीब करीब विराजमान हैं, प्रोफेसर संजय भट्ट बंदोपाध्याय जी, पंडित रविन्द्र नारायण गोस्वामी जी, प्रोफेसर सव्यसाची सरखेल जी, प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर जी,
ये प्रोफेसर हम कहते जरूर हैं, ये हमारी डिग्री जरूर है, हमारी उपाधि जरूर है, लेकिन ये अपने अपने क्षेत्र में सभी पांडित्य, इनका अपना अपना क्षेत्र है और अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही इन्होंने संगीत के लिए काम किया है। बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आप सभी हमारे बीच में हैं, हमारे लिए और हमारे विद्यार्थियों के लिए और भी देश के जो विद्यार्थी इससे जुड़ रहे हैं। दिल्ली के कई विद्यार्थी, कल मैं बताऊं आपको उस जानकारी के लिए कि सुजुक्ता शर्मा जी प्रोफेसर वहाँ की, उन्होंने कहा मुझे आपने बताया क्यों नहीं, मैं भूल गया था, तो उनको मैंने कल भेजा, तो आज बहुत से लोग दिल्ली से भी जुड़ने वाले हैं। शायद प्रतीक जी आ गए होंगे, मुझे नहीं ज्ञात है, आ गए होंगे तो उनका भी स्वागत है। इस प्रकार बहुत से लोग, संजय वर्मा जी आए होंगे, मैं नाम अगर भूल ना हूं तो मुझे क्षमा करेंगे। मैं सभी का, प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ मिश्र जी हमारे यहाँ के वरिष्ठ अभी आचार्य हम लोग के साथ हैं और हम लोग के साथ कार्यरत हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। खास करके मैं आज जो वरिष्ठ हमारी पूर्वाचार्य हैं प्रोफेसर पुष्पा बसु जी, मैं उनका बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने बस 5 मिनट के हम लोग के बातचीत में कहा कि ठीक है मैं जरूर रहूंगी रोज, और ये आशीर्वाद। आज मैं अध्यक्षता नहीं कर रहा हूँ सुप्रिया जी, आज अध्यक्षता हमारी वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर पुष्पा बसु जी करेंगी, आशीर्वचन वही देंगी। मैं केवल सबका स्वागत करता हूँ आपको, और सभी प्रतिभागी जो जुड़ चुके हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और सुप्रिया जी और वाद्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीता सिंह को बहुत ही बधाई देता हूँ कि आपने सुंदर आयोजन किया, हम लोग उसके सहभागी बने, धन्यवाद। मैं अब सुनने के आकांक्षा लेके बैठा हुआ हूँ आज, कुछ ग्रहण करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके प्रति दिल से आभार कि आपने ये प्रयास किया है और हमारे पूर्व जो हमारे गुरुजन हैं उन सबको जोड़ने का प्रयास इसमें किया है। सभी को मेरी तरफ से आमंत्रण जरूर गया था, लेकिन हाँ यही दिक्कत आ रही थी सभी के साथ कि इस जूम के माध्यम से टेक्निकल जो कुछ डिफिकल्टीज उनको महसूस हो रही थी उसकी वजह से वो नहीं जुड़ पा रहे थे, और इसलिए आज पुष्पा मैडम को जोड़ने का आपने जो प्रयास किया है उसके लिए बहुत बहुत आभार। मैडम हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने को महसूस कर रही हूँ। बहुत बहुत आभार मैडम का। मैडम आपसे निवेदन है कि 2 शब्द हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। सतीश जी आप आवाज सुन पा रहे हैं तो मैडम को बोलें। नमस्कार सभी को, आपको याद किया और मुझे जुड़ने के लिए कहा, यही बहुत मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि तो मैं 2 दिन से सुन रही थी लेकिन मैं जुड़ नहीं पा रही थी किसी तरह से, लेकिन और फिर मैं थोड़ा अस्वस्थ भी थी इस कारण से भी मुझे मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, पर अभी होकर के और इतने अच्छे अच्छे विद्वानों के व्याख्यान हो रहे हैं इससे बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, बहुत लोगों को लाभान्वित हो रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। इतने पुराने पुराने लोग जो अब अपने अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, मैं स्वयं भी काफी पहले से अवकाश प्राप्त कर चुकी हूँ इसी फैकल्टी से, तो मुझे भी आने का मिलने का अवसर मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों की आभारी हूँ। और अब मैं नियमित रूप से सबका व्याख्यान सुनूंगी और उससे जो कुछ भी मिल सकेगा उससे मैं फायदा उठाने का प्रयास करूंगी। इसलिए आप सभी लोगों को, आप राजेश शाह जी, सुप्रिया शाह, संगीता सिंह और भी जितने भी हमारे शिक्षक हैं, हमारे आगंतुक हैं बाहर से जो आए हुए जो जुड़ रहे हैं, उन सभी के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं सत्र को आगे बढ़ाते हुए पंडित हरविंदर शर्मा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ।
लेकिन उसके पहले मैं कुछ उनके बारे में आप सबको बताना चाहूंगी। हालांकि आप सभी उनसे भली भांति परिचित हैं, उनका अपना एक विशिष्ट स्थान है संगीत की जगत में। मेरा उनसे बहुत पुराना परिचय है हरविंदर शर्मा जी से। जी मैडम जी, पंडित हरविंदर शर्मा जी का एक विशिष्ट स्थान है संगीत के जगत में। सितार के वो एक महान कलाकार के रूप में हमारे देश में और विदेशों में भी हमारे संगीत को का परचम लहरा रहे हैं। उनके कई शिष्य शिष्याएं हैं जो बहुत अच्छा वादन अब मंचीय प्रस्तुतियों के माध्यम से कर रहे हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती रहती है। तो एक गुरु के रूप में भी आपने और पे भी मैं आप सबको बताना चाहूंगी, पंडित हरविंदर शर्मा जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ, ना केवल उनके संगीत पर उनकी सिंप्लिसिटी से और उनकी पॉजिटिविटी से, जो मुझे बहुत ही प्रभावित करती है। और मुझे लगता है जो भी उनके संपर्क में आता है उनकी इन विशिष्ट गुणों से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है। तो इसके लिए भी मैं उनको बहुत साधुवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हमारे साथ क्योंकि अन्य देशों से भी कई पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं और कई नए स्टूडेंट्स भी हैं हमारे इस व्याख्यान माला में जो हमारे साथ जूम पर अभी जुड़े हुए हैं, तो उन सब के लिए मैं पंडित जी के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगी। डॉक्टर पंडित हरविंदर शर्मा जी इज अ पर्सन ऑफ प्रोफाउंड टैलेंट, अबंडेंट परसेप्शन एंड एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज। He showed a keen interest in sitar at a tender age of 5 and gave his maiden public performance when he was just 9. A disciple of Ustad Vilayat Hussain Khan of Imdad Khani Gharana, Pandit Harvinder Sharma was initially groomed by his father Sri Meghraj Sharma and thereafter was trained under the illustrious guides late Professor Jitendra Kumar and Dr. R.D. Verma. Harvinder ji has a distinct style of elaborating the raga through khayal ang on sitar, which is the true essence of the Imdad Khani Gharana. Upholding the traditional glory of this gharana, he is also open to innovative ideas such as fusion or jugalbandi of classical and popular music. His experimentation with sitar on folk music and various forms of light music constantly enrich and upgrade his style. In recognition of his meritorious achievements and outstanding commitment to music, he has been bestowed with innumerable awards and honors by prestigious organizations and the state governments of Haryana, such as the Surmani Award, Pandit Lakshmi Chand State Award, the Karam Yogi Award, which is the highest civilian award in the field of music, was also conferred upon him by the Haryana Institute of Fine Arts in 2012. Shivalik Gaurav in 2014, awarded by the Shivalik Vikas Manch for his contribution towards music. Kala Vibhuti Samman, awarded by Sanskar Bharati in 2014. Lifetime Achievement Award by Society for Research in Education and Information Technology and Pratibha Spandan Shimla in 2015. Sur Sadhak Samman awarded by the Kurukshetra University and Surtarang in 2016. Sangeet Ratna Award on the occasion of International Elders Day in Chandigarh. Inspiring Artist Award presented in 2018 by Mushtari Begum Festival in Vancouver, Canada. Award of Honor by the MP on behalf of the constituents of Surrey Newton British Council, British Columbia, Canada. Kala Gaurav Samman 2019 by Sanskar Bharati and several other awards and honors.
His exclusive experimentation with regard to jugalbandi of sitar with other instruments like the violin, jaltarang, sarod and santur are indicative of his musical acumen and innovative skills. He is a top grade artist of All India Radio and has been performing on the radio and television for last many decades. He has participated in a number of times in the prestigious Akashvani Sangeet Sammelans and the national programs of All India Radio. A number of his cassettes and CDs have been released by various music companies. He has held concerts and musical performances in major cities of India and a few countries abroad like Canada, Dubai, Abu Dhabi, and so on. He has also participated in major concerts held in Mumbai, Jaipur, Pune, Hyderabad, Indore, and various other cities of India. He was selected by the Indian Council for Cultural Relations, New Delhi, as a lecturer and performer and deputed to Jawaharlal Nehru Cultural Center, Embassy of India in Moscow from March 89 to September 1992. During his tenure, he taught and trained many Russian students in the field of Indian classical music. He performed in various parts of erstwhile USSR and the neighboring countries like Poland, Holland, Germany, and France. We feel very honored that Pandit Harvinder Sharma ji is here with us today. And without taking any more time, I now request him to please start his lecture demonstration. I request him to please have his lecture demonstration for about 45 to 50 minutes, after which we can have a question hour. और क्वेश्चन आर के लिए जो फोन नंबर है जो मैं प्रतिदिन अनाउंस करती हूँ जिसपे आप लोग मेरी आपसे विनती है पार्टिसिपेंट से कि कृपया पहले इस व्याख्यान शुरू होने के 45 से 50 मिनट के अंदर यदि आप अपने प्रश्न भेज देंगे तो मैं आसानी से आपके प्रश्न हमारे एक्सपर्ट के सामने रख पाऊंगी. ऐसा भी हो रहा है कि 1:30 या 2 बजे भी हमारे को प्रश्न मिल रहे हैं तो हम आपके प्रश्न रख नहीं पाते एक्सपर्ट्स के सामने. तो कृपया आप लोग 1 बजे के पहले अपने प्रश्न भेजने का प्रयास करें. नंबर है 9519127535. मैं फिर से बताती हूँ 9519127535. I request all participants to kindly post your questions on this number by SMS or WhatsApp before 1 p.m. so that we can put your questions to the expert today. और अब और समय ना लेते हुए मैं ये मंच पंडित हरविंदर शर्मा जी को सौंपती हूँ. उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि अपना व्याख्यान प्रारंभ. सर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? उनका अनम्यूट करना है. आई एम ट्राइंग टू अनम्यूट इट. जी सर एक मिनट, हम अनम्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं. एक मिनट मैं करवा देता हूँ यहाँ से. जी यहाँ से होने आवाज सुनाई पड़ रही है. हेलो शुरू करने के पहले जी ये जो पीछे वर्चुअल आपने जो बहुत अच्छा दृश्य है लेकिन उसके कारण सितार दिखाई नहीं पड़ रहा है. अभी कहीं मैं गड़बड़ न कर दूं कुछ, देखता हूं अगर कर पाया तो. वर्चुअल बैकग्राउंड ओके, सितार पूरा छिप जा रहा है. रिमूव नन. जी जी बस बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा. थैंक यू सर. जी Dil mein
बहुत बहुत नमस्कार सबको। थोड़ा सा मैंने वादन इसलिए किया कि जितने भी सुनने वाले हैं उनको ये आभास हो जाए कि क्या होने वाला है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गायकी अंग इन सितार, इस पे थोड़ा बात करेंगे। और अभी तक जो मैंने बजाया थोड़ा बहुत, उससे एक आपको थोड़ा अंदाज हुआ होगा कि सितार जो है इट्स काइंड ऑफ अ सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट। आदरणीय प्रोफेसर राजेश शाह जी, प्रोफेसर संगीता सिंह जी, डॉक्टर सुप्रिया शाह जी और मेरे बहुत ही आदरणीय मैडम पुष्पा बासु जी, जिनको शायद पहली बार मैं आई थिंक आई वाज जस्ट 20 or 21 व्हेन आई मेट हर इन बनस्थली विद्यापीठ व्हेन आई यूज्ड टू गो टू डॉक्टर आर डी वर्मा बिफोर आई वेंट टू उस्ताद विलायत खान साहब। और बहुत ही इनका स्नेह, इनका आशीर्वाद उन दिनों से मुझे लगातार मिलता आ रहा है। एंड आई एम सो फॉर्चुनेट कि आज शायद चौथा दिन जो है ये, तो शी इज़ एबल टू ज्वाइन एंड उनका एक बार पुनः आज मैं आशीर्वाद प्राप्त करने में सक्षम हो पाऊँगा। ये सब मैडम आप और जितने मेरे सीनियर विद्वान लोग, प्रोफेसर बीरेंद्र नाथ जी बैठे हैं, प्रवीण जी हैं, और या और जितने भी लोग, मैं सबके नाम नहीं लेता, जितने भी विभाग के फैकल्टी के जो प्रोफेसर हैं, जो विद्वान लोग हैं, या फैकल्टी से बाहर जो लोग सुन पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, जितने रिसर्च स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेरे खुद के बहुत सारे लोग विदेशों से और अपने देश में ही आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार, उन सबको बहुत बहुत मेरा नमन और सबको बहुत बहुत मेरा प्रणाम। मुझे आज, मैं 63 साल का पूरा हो चुका हूँ आज, मतलब कि मई में हो गया था मैं, और सितार बजाते हुए करीब करीब 58 साल हो गए। आई वॉज जस्ट 5 क्योंकि मेरे घर में मेरे पिताजी ही वॉज ए सितार प्लेयर एंड ही यूज टू टीच, जैसा कि सब लोग सिखाते हैं। And when I was quite young, मतलब कि जो 4-5 साल की उम्र में, so I used to listen to him
इधर उधर खेलते वेलते जैसे कि संगीतकारों के घरों में होते हैं, एंड आई वॉज नॉट होल्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट। और जब वो चले जाते थे तो उसके बाद फिर मेरा नंबर लगता था कि मैं बजाऊं। जो कुछ अपने शागिर्दों को सिखाते थे वो मैं कोशिश करता था बजाने की। और एक दिन बजाते बजाते मुझसे तार टूट गया और मुझे बहुत डर लगा, और मैंने वो जैसा बच्चे का स्वभाव हो सकता था मैंने वो तार को थोड़ा बहुत एक खूंटी से लपेट लपूट के ऐसे ही रख दिया कोने पे। तो पिताजी आए शाम को, ही यूज टू टीच इन गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स इन चंडीगढ़, दैट वॉज द प्रीमियर कॉलेज, एंड वी केम टू चंडीगढ़ इन अर्ली 60s ड्यू टू हिज जॉब। एंड वो आए और उन्होंने देखा कि ये तार टूटा हुआ है, और माँ से पूछा कि ये किसने किया है सब कुछ। एंड शी टोल्ड कि ये आपके जाने के पीछे, ये तो रोज बजाता है सितार। सो मुझे तो ये था कि आज मेरी बहुत पिटाई होगी, बट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, आई वॉज लकी कि पिटाई हुई नहीं। हालांकि ही वॉज अ वेरी वेरी टफ टीचर, जैसा कि कल प्रोफेसर नाहर भी कह रहे थे कि एक बार दो बार चार बार किसी चीज को अगर शागिर्द को करवाया और वो नहीं समझ आया तो कुछ प्रसाद मिल जाता था जो फिर सारी उम्र वो लेसन याद रहते हैं। तो इसी प्रकार के वो टीचर थे। तो देन द फर्स्ट लेसन वॉज गिवन टू मी दैट हाउ टू फिक्स द स्ट्रिंग, नॉट दैट हाउ टू प्ले द सितार। फिर पूछा उन्होंने क्या बजाते हो, तो मैंने जो कुछ वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाया करते थे वो मैंने रिपीट किया। So that was the time when my learning also started. उसके बाद प्रोफेसर जितेंद्र जी जो कि चंडीगढ़ में ही थे, डॉक्टर आर डी वर्मा who used to be the disciple of पंडित रविशंकर, पर मन में एक इच्छा थी शुरू से ही, ये जो मैंने अभी शुरू में बजाया था ये रिकॉर्ड खान साहब का है, 60s में बजा करता था ऑल इंडिया रेडियो पे। इतना प्रभावित होता था सुन के कि ये सितार कैसे बजता है, क्योंकि उन दिनों में और कलाकारों को भी निरंतर सुनते थे हम लोग। तो मन में एक इच्छा थी कि अगर सितार बजाना है तो ऐसा, और कंसेप्ट हो तो संगीत का ऐसा, बहुत छोटी उम्र से ही। और मैं इतना फॉर्चुनेट था कि बेशक मैं डॉक्टर आर डी वर्मा जी के यहाँ पे बनस्थली में बहुत सालों तक मेरा आना जाना रहा, उन्होंने कभी मेरे को ये फोर्स नहीं किया कि आप यही चीजें बजाएं जिसको पंडित रविशंकर का स्टाइल बोलते हैं या तंत्रकारी अंग बोलते हैं। पहले आई वॉज गिवन सच एन ओपन स्पेस कि रात रात भर हमने गुलाम अली की गजलें सुननी, मेहंदी हसन खान साहब को सुनना, परवेज मेहंदी को सुनना, निजाक सलामत जी को सुनना, उस्ताद अमीर खान साहब को सुनना, बड़े गुलाम अली खान साहब को सुनना, और उसके साथ साथ फिर विलायत खान साहब को, निखिल बनर्जी को, और किसको नहीं ना जाना है। तो ये एक वो एटमॉस्फेयर था जो मेरे को मिला वहां से, एंड आई वाज एबल टू बिकम अ डिसाइपल, वर्दी डिसाइपल ऑफ उस्ताद जी विलायत खान साहब। अदरवाइज आप सब जानते हैं कि इन लोगों के पास कोई भी जा तो सकता है पर उससे ज्यादा लाभ नहीं होता है। उसका ग्राउंड अगर ऑलरेडी तैयार है, क्योंकि वो एक फैकल्टी और कॉलेज टीचिंग जैसा टीचिंग तो होता नहीं है। जिस दिन मुझे याद है कि पहले दिन वहाँ गंडा बंधन के बाद जब क्लास शुरू हुई तो उस्ताद जी बैठे थे, रात को वहाँ 10 बजे सब शागिर्द लोग दिन भर इधर उधर खेल कूद करके शाम रात का खाना खा के, रात को 10 बजे एक हुक्म था कि वो सब लोग रियाज रूम में पहुंच जाएंगे। तो अब जैसे हम पहुंचे, I was too young. तो राग चल रहा था देव गंधार, चंचल नैन तोरे प्यारे प्यारे, अब देखो ये उस समय का याद है, उसकी उनकी कराई हुई ताने भी याद है। तो व्हाट आई वांट टू से कि शिष्य को ऐसा होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि गुरु उसको दोहराए उन चीजों को। शिष्य का दिमाग या कोई भी संगीत के विद्यार्थी का दिमाग ऐसा होना चाहिए कि एक बार एक चीज सुन ले, प्रत्यक्ष रूप में चलते फिरते या किसी ने करवा दे तो आपको वो मेमोराइज हो जाना चाहिए था। मुझे ये भी याद है कि वो पहला एक्सरसाइज कौन सा उन्होंने मेरे को करवाया था,
आपके लिए थोड़ा। अब इसको मिर्जे तो ये आप चाहे पर्दे पे बजाएं या पर्दा ना भी हो, वो किसी किस्म का भेदभाव या किसी किस्म का फर्क उनके वादन में या आगे अगर आप लोग बाकी सक्षम है तो आप लोग भी वो कर पाते हैं। ये जो सितार में पर्दे लगे हैं, इन पर्दों से सितार नहीं बजता है। पर्दे एक माध्यम है ये साउंड को प्रोड्यूस करने में। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो पहले दिन मैंने प्रतीक चौधरी जी का भी सुना, पंडित जी का मैंने सुना, बहुत अच्छा उन्होंने सैनिया घराना और अपना मुश्ताक अली खान साहब और उनके वादन और उनकी शिक्षण पद्धति और अपने पिता श्री के बारे में और उनके खुद की संगीत की शिक्षा के बारे में नहार साहब को सुना। उसके बाद कल का भी मैंने संभाषण सुना और बहुत ज्ञानवर्धन था सब। कहने का मतलब कि साहब ने एक चीज की चर्चा की आपने, उसमें स्टाइल चाहे कुछ भी रहा हो, जैसे कि पंडित प्रतीक चौधरी जी कह रहे थे, अरे ये लाइट म्यूजिक बजाना या गाना बजाना इट्स नॉट ए इजी जॉब। सच बात है। अब ये बेसिक चीजें हैं सितार में, वो तो सबके साथ ही रहती हैं कि उसमें दा का स्ट्रोक कैसे आए, रा का स्ट्रोक कैसे आए और ये अलंकार कैसे होते हैं, रियाज कैसे होता है, ये सब चीजों की चर्चा बहुत हो चुकी है। मेरा कहना ये है कि ये सितार नहीं बजता है कभी भी, ये इंसान खुद में क्या है, उसके अंदर में क्या है। तो वी वर गिवन दिस इंस्ट्रूमेंट बाय द ऑलमाइटी आई विल से। अब किसी के भाग्य में गाना आता है, किसी के भाग्य में जल तरंग आता है, तबला आता है या और साज आते होंगे, हमें हमारी किस्मत में ये साज आया, बाय डिफॉल्ट आया बिकॉज घर में था। तो ये सितार नहीं बजता है, सितार तो सबके पास एक जैसा होता है, यही उसका तुम्बा होता है, यही तबली होती है, यही तारे होती हैं। ओवर द पास्ट जो भी डिकेड्स थे, जब से इस सितार की चर्चा इस जमाने में आई, बहुत लोग कहते हैं कि अमीर खुसरो ने बनाया, किंतु मेरा एक सिंपल लॉजिक है कि इसके ऊपर बजता क्या है। इसके ऊपर आज ये मसीद खानी गत और रजा खानी गतें बजती हैं और उसके बाद अपने अपने तरीके से अपने अपने विवेक से लोगों ने बहुत सारी रचनाएं और बहुत सारी गतें और बहुत सारे नए इसमें आयाम दे दिए। पर इसका मतलब अगर इससे पहले कुछ होता, जैसे अगर ध्रुपद दमार की चर्चा करते हैं तो तानसेन के जमाने की भी बात आती है, इसी प्रकार सितार अगर अमीर खुसरो के टाइम से कुछ बजता आता तो उसकी चीजें भी उपलब्ध होती, जो कि वो चीजें उपलब्ध नहीं है। हो सकता है इट वॉज यूज एज ए अकम्पलीमेंट इंस्ट्रूमेंट, अकम्पलिंग इंस्ट्रूमेंट की कवाली चल रही है तो बीच में फिलर के तौर पे इसको ले लिया। बहुत सारे रिसर्च इसमें आप लोगों ने किए हैं और बहुत सारे, खैर इसमें डिटेल में ना जाके ये करेंगे कि कला कभी भी रुकती नहीं है और ये इंसान का एक अंतर्मन और एक उसका खुद का व्यक्तित्व, खुद की पर्सनैलिटी, खुद का कंसेप्ट होता है जो कि गाने वाले के गले के माध्यम से निकलता है तो हम लोगों के हाथों के माध्यम से निकलता है। हम लोगों का टोटल व्यक्तित्व जो है वो हाथ हमारे एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट हाथ में आता है कि इसमें पर्दे लगे हैं और साउंड ऐसे ऐसे निकलना है और इसमें करना है। हाँ ये जरूर है कि जिस जिस भी विद्वान ने, जिस भी कलाकार ने इस वाद्य को अपनाया और इसमें जो जो कुछ भी काम डेवलप किया वो बहुत आदर के योग्य हैं। क्योंकि आज अगर मैं या और कलाकार जो आज के जमाने में हैं वो अगर इस किस्म का सितार बजा पा रहे हैं तो इट्स ऑल ड्यू टू दोज स्कॉलर्स, दोज ग्रेट मास्टर्स, कि जिन्होंने उस जमाने में ये सोचा जब ये कुछ भी नहीं था। आज तो आपके सामने बहुत साधन है कि आप कोलकाता में एक से एक अच्छा सितार बनवा लेते हैं, हम लोग कहीं और से बनवाते हैं, आपके बनारस में भी बहुत अच्छे अच्छे सितार वादक हैं और बनाने वाले हैं, लखनऊ में है, मिरज में है, सब कुछ है। पर उन लोगों का देखिए कि जिन लोगों के लिए बिल्कुल ये एक लकड़ी था,
लकड़ी था और इसमें कैसे साउंड, कैसे इसकी तबली कितनी मोटी की जाए और तुम्बा किस साइज का रखा जाए, डांड कैसी रखी जाए, तारों का क्रम कैसे रखा जाए, कौन से तार डाल दिए जाएं, कौन से हटा दिए जाएं, ताकि वो सितार एक बहुत इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाए। और उसका वजह क्या हुआ, आज हम लोग अगर आज विदेशों में जा रहे हैं तो ये हरविंदर शर्मा का तो बहुत बड़ा योगदान नहीं है, हमारे लिए ये रास्ता पंडित रविशंकर बना के गए, हमारे लिए ये रास्ता उस्ताद विलायत खान साहब बना के गए, हमारे लिए ये रास्ता वो सब महान कलाकार बना के गए जो हमारे पैदा होने से पहले से भी शायद वो विदेशों में थे और वहां के लोगों के लिए एक जमीन तैयार कर रहे थे जिसमें आज हम लोग जाकर के बैठते हैं और अपना गाना बजाना करते हैं और लोग प्रशंसा भी करते हैं। तो कुल मिला के ये कि सितार में कितने पर्दे हों और कितने ना हों, आप देखेंगे कि पर्दे का महत्व बिल्कुल खत्म हो जाता है जब आप गायकी अंग बजाते हैं, क्योंकि मान लो यही चीज करनी है, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए, गाने में कहना बड़ा आसान था, आप सब जानते हैं सितार बजाने के लिए बेशक ये स्वर हैं, किंतु कल जैसे नाहर साहब की, परसों नाहर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि संगीत देखा नहीं जा सकता, किंतु फिर भी कहते हैं कि जरा इस स्वर को देखिए, यानी कहने का मतलब कि जितने भी ये विद्यार्थियों से लेके या और स्कॉलर्स या रिसर्चर या जितने भी सब लोग जानते हैं कि जिस दिन पहले दिन हमने सितार बजाना शुरू किया था तो इसकी टोन कैसी थी, हम लोग जब बजाते थे तो वो उसकी आवाज कैसी आती थी, धीरे 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 करके ओवर द इयर्स ओवर द इयर्स। अब मैं सोचता हूँ कि अब 58 साल सितार बजाने के बाद, मैं सुना करता था मेरे बचपन में जब बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई गाने बजाने की अकल जो है वो 50 के आसपास जाके आती है, उसके बाद समझ आता है कि स्वर को लगाना कैसे है। और आई एम सो फॉर्चुनेट कि विदुषी एम राजन जी का एक मैं कल ही टॉक सुन रहा था जो आपके यहाँ इसी विश्वविद्यालय पे काम करके गई हैं, कि हर राग में वो स्वर अलग दिखते हैं, यानी आम लोगों के लिए आप कह सकते हैं कि ये सारे गामा पाजा निशा है, किंतु हर राग में ये अलग हो जाते हैं, हर राग में इनका एप्लीकेशन अलग हो जाता है, किसी में थोड़ा कुछ श्रुति उतरा हुआ है, किसी में चढ़ा हुआ है, हर राग में उसका सौंदर्य बहुत अलग हो जाता है उन्हीं स्वरों को रखते हुए। तो वाकई मैं महसूस करता हूँ कि अब आकर के कि अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक जगह खड़े भी हैं, उसमें भी स्वर में आनंद आता है और वो दिखता है। नहीं तो मैं मुर्गी, छुट्टियां वित बेबार, नहीं तो मैं मुर्गी, तेरे इश्क में छाया तेरे इश्क में छाया, तेरे इश्क में छाया करके तैया तैया, छुट्टियां में वे कब बार, नहीं तो मैं मर
अब ये सब चीजें गले की जब आप निकालते हैं तो पर्दों का तो रोल ही निकल जाता है बिल्कुल, और ना ही ये चीजें पर्दों पर जाए। वावा रंग से जन्मे हो, 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 आशिक बिना ना समझे हो। तो कहने का मतलब कि ये सब चीजों का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और जिस घराने से मैं ताल्लुक रखता हूँ, इस घराने में एक बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड एक लाइन है, लाइनेज है, जो कि साहबदाद खान साहब, इमदाद खान साहब, इनायत खान साहब, रोहित खान साहब, उस्ताद विलायत खान साहब, इमरत खान साहब और उनके बच्चे शुजात खान साहब, उधर निषाद हैं, इशार हैं, वजाहत हैं और उनके अनगिनत जो आगे फॉलोअर्स हैं। और एक सच्ची बात है बिल्कुल, बहुत सारे उस्ताद आज कह भी हैं, ओपनली कहते भी हैं, आपका गुरु एक हो सकता है पर आपका इंस्पिरेशन कोई और भी हो सकता है। तो वो इंस्पिरेशन आप एक लव्य के रूप में, मेरा एक शागिर्द है उसका नाम यहाँ मैं लेना चाहता हूँ, वो मेरे पास ज़्यादा आता नहीं है, मैं बहुत दुखी रहता हूँ और कहता हूँ कि भाई आता क्यों नहीं है। वो बोले जी मैं आपका एक लव्य जैसा शागिर्द हूँ, मैं आपको सुन के रोज क्या प्राप्त करता हूँ ये गुरुजी आपको भी मालूम नहीं हो सकता। तो मुझे उसकी बात में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज ऐसा कहना कि मैंने सिर्फ उस्ताद विलायत खान साहब से सीखा है, तो ये उन गुरुओं के साथ, उन मेंटर्स के साथ, उन गीतों के साथ, उन गानों के साथ, उन गजलों के साथ, उन गजल गायकों के साथ, उन कवालियों के साथ, उन कवालियों को गाने वाले उस्तादों के साथ, ये मैं बिल्कुल, मेरा दुराचार होगा अगर मैं ऐसा बोलूँगा। मुझे तो इंस्पिरेशन कहीं से भी मिलता है, वो ना जाने वो क्योंकि कोई फिल्म का एक अच्छा गीत, कोई कवाली, कोई गजल, वो निचोड़ होता है किसी भी राग का जो लोग इस किस्म से गाते हैं। जैसे उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब की जो गजलों से अगर मेरा राग किरवानी का कंसेप्ट है तो वो उनका बना हुआ है, शोला था जल बुझावा, या बहुत सारे ऐसे उन्होंने हर राग में गजल कही, सुध सारंग में क्या, बागेश्वरी में क्या, और ऐसे ऐसे राग कहे जो मैं बजाता हूँ और नाम लेके बजाता हूँ, देखें कि ये फ्रेज वहां से लिए हुए। तो कुल मिला के ये कि आपका प्रत्यक्ष गुरु एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, और ना जाने कितने अनगिनत गुरु होते हैं आपके इस दुनिया में, और वो फ्रेज, वो टुकड़ा, स्पेसिफिक टुकड़ा किसी ऐसे कलाकार का गाया हुआ जो जिनसे आपने सीखा नहीं है पर आपके जहन में है, जब आप वो रागदारी कर रहे होते हैं वो आकर के कहां अचानक से वो उसमें फिट हो जाएगा कि आपको भी नहीं पता रहता कि मैंने क्या किया। और ये एक बहुत अच्छी चीज है कि हमें वी हैव टू बी वेरी वेरी एलीट, वी शुड ट्राई टू लिसन ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक, और उसका प्रभाव आपके शास्त्रीय संगीत में भी आता है। और सबसे अच्छी बात एक मुझे आज ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि वी आर लिविंग इन सच ए फॉर्चुनेट एरा कि एक से एक कलाकार, हमारे बुजुर्ग कलाकार जो कि हमारे लिए इतना अच्छा खजाना छोड़ के गए हैं, और आज ये बड़ा सौभाग्य की बात होती है कि आप ऐसे जमाने में, ऐसी एज में रहें जबकि बहुत बहुत गुणी लोग, कलाकार लोग काम कर रहे हों और उसका प्रभाव आपके गाने बजाने के ऊपर निश्चित रूप से आता ही है, चाहे आप उनसे सीखें चाहे ना सीखें। मुझे लगता है मेरी इस बात से सब लोग इत्तफाक भी रखते होंगे कि मैं अगर मैंने उमराव जान पिक्चर देखी, उसमें वो बहुत बार देखी उन दिनों,
गुलाम मुस्तफा जी के द्वारा जो वो एक छोटा सा वो है जिसमें रेखा का तालीम चल रहा है, तेरा रहना अल्लाह। अब इसको इतना इतना बढ़िया ये रागमाला है और वो क्यों ना जहन में बैठे, तो खाली ये कह के ये कुछ अनाड़ी लोग होंगे जो ये कहते होंगे कि अरे वो तो गाने बजाता है। आप ये देखें कि किसी भी परफॉर्मेंस का अंत किसी ठुमरी से होता है, किसी धुन से होता है। इट इज सर्व्ड एज ए स्वीडिश, तो जो स्वीडिश होती है किसी भी पार्टी की वो सबसे अच्छी डिश होती है, उसको हम अंत में खाते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर वो इतनी अच्छी चीज होती है और हम लोग इतनी अच्छी अच्छी चीजों को इग्नोर करते रहे तो वो अन्याय होगा। जैसे 1970s में पाकिस्तान से मुसरत नाजिर का एक एल्बम रिलीज हुआ जिसमें शादियों के कुछ गीत थे, तो उन दिनों हम सोचते थे यार क्या धुने हैं, क्योंकि वो फोकलोर था। और वो प्रांत आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कोई भी हो, वो क्या है। मेरा मानना ये है कि आप अगर 4 स्वर भी 3 स्वर भी किसी किस्म के संगीत में भी लगाते हैं तो वो भी शास्त्रीय संगीत ही होता है, क्योंकि उसमें भी वही स्वर होते हैं, वही भाव होते हैं और वो दिल को छूते हैं। यानी संगीत वो जो आपके दिल को छू जाए। थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको वो। मेरा तुरिया डोल निरुफ़े ले चल दखवारी सहने, मेरे गोजे दे विच आने ओ मेरे गोजे दे विच आना, अजे जेलम शेर बगाना ले चल दखवारी सहेला। अब इसमें जितने भी इसके पॉजेस आ रहे हैं, ले चल मेरे बागे दे विच अंधियां, अब ये सब कहने में क्या क्लासिकल नहीं है इसमें। मुझे लगता है कि अगर आपको क्लासिकल आता है तभी आप ये बजा पा रहे हैं। ओ मेरे, अब ये तो फोक का एक हिस्सा है, तो क्या किसी क्लासिकल राग में या किसी उसमें ऐसे फ्रेजेस नहीं आते हैं? ए ना ए ता ऊंचिया पहाड़ां दा कर लेना सा नजारा, चंदे दिए बंदे दूजा चंग किधरों चढ़ा, सगा पानी दा ए कौन सा हे दा दा हे दा 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 दा
रंगे सारे गुलाबे तुम्हारे आरे मोहे मारे मेरे आशारे बीत रहे हैं सारी रतियां बीत रहे हैं सारी रतियां बेलार नहीं है चोरे यारे पायो जे मैंने राम रतन धर पर मैंने बहुत बच्चों को बजाते हुए देखा। देखो गाना या बजाना या कोई भी संगीत का जो है उसमें अगर आनंद नहीं आया, अगर वो कंपोजिशन आप जो बजाना चाह रहे हैं ये तो पर्दे हो गए। अब जब गाने के रोल आया इसमें तो पर्दे गायब हो गए। पायोगे मैंने राम रस, ये देखिए ये सब रे से निकल रहा है, तो था क्या गम पम पहोगे मैं राम रतन धर पर। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताते हैं मेरे को न सीखा कहीं भूल गया थोड़ा, हालांकि ये मैंने रिकॉर्ड किया है। ये सारी हरकतें कहने के लिए जिसको हम हरकत बोलते हैं, ये सब टेक्निक्स बजाने के लिए आपको अगर गाने का आभास है, आपके अंदर में गाना है और आप उसको निकालना चाहते हैं, उसके लिए फिर सोचना नहीं पड़ता कि आपका हाथ कौन से पर्दे पे था, कहाँ से नींद आएगी कहाँ से नहीं आएगी, ये कितने पर्दों का सितार है नहीं है, ये सब एक टेक्निकल इश्यूज हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों के धा से आगे जितने भी पर्दे हैं हमेशा नए रहते हैं, वो घिसते नहीं है सारी उम्र, क्योंकि आगे कभी हाथ गया ही नहीं इस तरफ, सारा काम मींड से ही हो जाता है। आदत हाथ को ऐसी पड़ गई कि आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
पूरी सितार में बहुत कम पर्दे होते हैं जो घिसे होते हैं, बाकी सब नए के नए रहते हैं, क्योंकि उनपे उनके जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ आपका वैसे भी है। आज जाने की जिद ना करो, ऐसी बात किया न करो, आज जाने की जिद ना करो। कहने का मतलब कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे बुजुर्ग लोग गा गए हैं, छोड़ गए हैं, उनको करते हैं। अगर एक पहाड़ी रंग ले लें उसमें महीनों सालों निकल जाते हैं, एक बहर भी उठा लें उसमें निकल जाते हैं, कोई क्लासिकल का रंग ले लें उसमें इतने निकल जाते हैं। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दबाने कालम की रागों पे आधारित इतने सारी गजलें हैं, बंदिशें हैं, वो कहीं से फिल्म से भी हो सकती हैं, नॉन फिल्म से हो सकती हैं, फोक म्यूजिक से हो सकती हैं, तो उन सबको सुनते रहना चाहिए। तेरी सके मोरे पिया गरिया, अब इसमें अब यमन राग बजाना है, यही तो कहेंगे हे रिसके मोरे पिया गरिया, भाग लगे आगम को। हमारे बहुत सारे रागों में आता है अपने पिया के में। हमारे संगीत का शुरुआत ही ऐसे होता है, तन मन को अपने त्याग में बल बल जाए। साहब को ये मैं बिल्कुल श्रेय मैं क्या पूरी दुनिया देगी। गाना सितार के ऊपर उस जमाने से नहीं बज रहा था जब से उस्ताद बिलाल खान साहब आए, गाना सब लोग बजा रहे थे। कल वो चर्चा में संजय जी कह रहे थे कि वो ध्रुपद धमार किसी का वो उदाहरण दे रहे थे कि जो उसका उसका जो आलाप का जो तरीका है वो ध्रुपद धमार गायकों ने अपनाया। यानी ये एक हम लोग इसको इस कंट्रोवर्सी में बिल्कुल ना जाएं कि जी वो अरे ये जब हम सितार बजाते हैं तो इसमें तंत्रकारी भाग जाती है क्या कहीं। देखो Thank you.
ये साधु लक्षण सबकी बजाई हुई है, बहुत पुरानी चीज है। दादरा दादा अभी इसमें गायकी अंका पूरा ऐसे आ गया उसमें। अरे कहीं नहीं भागी जा रही कोई तंत्रकारी और मिजराबकारी झालों के प्रकार। ये एक ऐसी खूबसूरत चीज है कि ये हम थोड़े बहुत जो छुटबैये लोग होते हैं वो कभी कभी इस कंट्रोवर्सी में पड़ जाते हैं, फलां ऐसा बजाता है, फलां ये करता है, वो गायकी अंग बजाते हैं, वो गाना बजाते हैं। अरे गाना बजाने से मतलब कि अगर कोई बंदिश वैसी की वैसी, पहली बात तो गला आज भी सितार से ऊपर ही है, ऊपर था और ऊपर ही रहेगा। हम लोग प्रयास मात्र कर रहे हैं। हाँ ये है कि आपका एक नजरिया, आपका एक एप्टीट्यूड सितार को हैंडल करने का ऐसा हो जाता है कि आप कुछ भी बजाते हैं वो गाना ही हो जाता है। आ गया ना उसमें, बज रहा है वो तंत्रकारी जैसा, पर वो एप्टीट्यूड आएगा ही आएगा अगर आपके अब दूसरा जैसे सिमरन कर बज एक दिन अब इस किस्म की लंबी साउंड को सितार पे रखना और उसको मेंटेन करना, ये एक कला है। ये कला धीरे धीरे करते आती है और इसी चीज का श्रेय जो है उस्ताद विलायत खान साहब को जाएगा। ये तारों का क्रम देखे, पहली तार को नी पे मिलाते हैं, वो सा पे मिलाते थे, मैंने एक और नीचे कर दी, पा पे कर दी, नी पा सा। अब जब ये चीजें हम देते हैं छेड़ जो है, यानी सितार का स्टाइल जो भी है, आज निखिल बनर्जी हैं, उस्ताद पंडित रविशंकर हैं, विलायत खान साहब हैं, हलीम जाफर खान साहब हैं, या और भी एक दो जो रहे होंगे, सितार बजाना बाद की बात है। आप सितार को मिला के एक उसमें छेड़ दे दें, बस इतना सा कह देने से इतना भर कर देने से जो समझदार लोग हैं उनको पता लग जाता कि ही बिलोंग्स टू स्कूल ऑफ उस्ताद विलायत खान घराना और ही बिलोंग्स टू रविशंकर जी, ही बिलोंग्स टू निखिल बनर्जी। हालांकि निखिल बनर्जी तो आई कंसिडर हिम द मोस्ट जीनियस सितार प्लेयर ऑफ द सेंचुरी, कि उनका उनका कभी ऐसा लगता है कि वो ही वॉज कम्प्लीट इन गायकी, ही वॉज कम्प्लीट इन तंत्रकारी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को हमें देखना चाहिए कि ये सब करने की चीजें हैं, ये सितार है, इसके ऊपर आएंगे आएंगे। अब इसमें गायकी भी है, तंत्रकारी भी है। ये सिर्फ मिसराब करके गाता है ना, दा 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 दा
अब इसमें मिजराब नहीं आ सकती, इसमें इसमें रा भी नहीं लगता कहीं पे, क्योंकि इसका मिजाज जो है वो बिल्कुल बिल्कुल गाने के ऊपर है। बस एक लास्ट चीज और बजाता हूँ और उसके बाद खत्म करता हूँ। बहुत सारी चीजें एज इट इज ले ली गई हैं जो गाने की बंदिशें हैं। जब नब के तारे गिनत गिनत पतरे नैनवा हमारे मन आतुर दिल से राज कौन कहे कब आए प्रीत मांगु प्यारे बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक समय को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, पता ही नहीं चला इतना आप लोगों से बातचीत करते हुए, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं क्षमा भी मांगना चाहता हूँ कि कुछ मेरे से कुछ गलत बोला गया हो, कोई आहत हुआ हो, या किसी को ऐसा लगा हो कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात थी, तो उन सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो 58 साल सितार बजाने के अनुभव से थोड़ा बहुत जो सीख पाया हूँ, थोड़ा सा जो मुझे लगा कि ये बातें मुझे करनी चाहिए, वो मैं सब मैंने कोशिश की करने की, और बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे सुप्रिया जी आप अगला आगे संचालन आप करें। थैंक यू सो मच। बहुत 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 धन्यवाद सर, इतना सुंदर सेशन ये हुआ है और आपने इतनी सारी बातें बताई हैं जो बिल्कुल मन को छू गई हैं, इतनी सारी शिक्षा आपने दी है। किसी भी संगीत के साधक को अगर उन चीजों के प्रति अगर सजग रहे, उन जो सीख आज आपने दी है अपने इस व्याख्यान के माध्यम से, सबसे पहले ये कि इंसान जो अंदर से है, जो अपनी आत्मा में जो है, कोई भी व्यक्ति वही बाहर संगीत के माध्यम से वो गा बजा पाता है। तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम आत्मचिंतन करें, हम प्योर अपने सोल में प्योरिटी लाएं, अपने अंदर प्योरिटी लाएं, और एक ऑनेस्टी और डेडिकेशन जो है आपका अपने संगीत के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, और वो सारे इंस्पिरेशन जो जिन भी सोर्सेस से आपको इंस्पिरेशन मिला है, आपने आज पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ह्यूमिलिटी के साथ आपने उन सबको एक्नॉलेज किया है, और ये एक अपने आप में एक इतनी बड़ी बात है। और किसी भी म्यूजिशियन को उसकी कला में वो सौंदर्य लाने के लिए, वो फीलिंग लाने के लिए, वो इमोशंस लाने के लिए, आई थिंक सबसे जरूरी बात ये है कि हम अपने संगीत के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति और उन सारे इंस्पिरेशंस के प्रति हम वो ऑनेस्टी और सच्चाई रखें। और ये बहुत बड़ी सीख आपने सर अपने व्याख्यान के माध्यम से दी। और जो दूसरी बहुत अच्छी बात आपने आज बताई है, जो हमेशा मैंने भी मेरी तो बहुत, मैं सिर्फ एक विद्यार्थी हूँ संगीत की, लिमिटेड मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं अभी ये जीवन सीखने में ही लगाना चाहती हूँ, पर हमेशा मैंने ये यही मैं इस निष्कर्ष पर निकली हूँ कि किसी भी घराने को हम कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते कि इसमें सिर्फ गायकी है और इसमें सिर्फ तंत्रकारी है। वो एक टेक्स्ट बुक अंडरस्टैंडिंग है, एक बाहरी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें जब तक हम अभिसंचित नहीं होते किसी शैली में, तब तक हम समझ नहीं पाते कि इसकी व्यापकता कितनी है, इसके अंदर कितनी डेप्थ है किसी भी शैली में, किसी भी घराने में। और हर घराने में हम पाते हैं कि हर प्रकार के जो सौंदर्य के नुआंसेस हैं गायकी के, तंत्रकारी के, ध्रुपद शैली, ख्याल शैली, ये सारी चीजें हम अगर उसमें इन डेप्थ अगर उसको स्टडी करें और उसको सुने, समझने का प्रयास करें, और हमें अच्छे गुरुओं का सानिध्य मिले, अच्छे जगहों से हम इंस्पिरेशन लें, तो हमें समझ आता है कि ये छोटे छोटे कैटेगरीज में स्टाइल्स को या घरानों को बांटना शायद उनके लिए जस्टिस नहीं होगी। तो ये भी बात आपने बहुत ही सुंदर बताई है सर। मैं आपने जो भी बातें कही वो मेरे को अंदर तक बहुत प्रभावित आज हुई हूँ मैं, इसलिए मैं अपने को रोक नहीं पाई और आज मैं ये सारी बातें कह रही हूँ। हमारे पास एक प्रश्न भी आया है सर, हम क्वेश्चन आ रहा
ले लेते हैं, प्रारंभ करते हैं। प्रगति द्विवेदी शोधार्थी हैं और उन्होंने, हालांकि आपने अपने व्याख्यान के माध्यम से ये एक जगह पे आपने ये चीज बताई है, पर स्टूडेंट्स और जो रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह जुड़े हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार और वो जानना चाहेंगे कि किसी भी राग में कोई ऐसा कौन से फ्रेजेस, कोई भी राग का आप एग्जाम्पल लेते हुए ऐसे कुछ फ्रेजेस बताइए जो तंत्रकारी में हम तंत्रकारी और किसी कुछ फ्रेजेस जो गायकी, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादातर बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, और जो हमने जैसे मैंने कहा कि टेक्स्ट बुक अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं, लेकिन बच्चों में क्लैरिटी नहीं आ पाती कि कहाँ पे तंत्रकारी हुई है और कहाँ गायकी। हालांकि बात ये बिल्कुल यही इशू रहा है और ये चल रहा है। सपोज ये यमन चल रहा है, धड़ 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 ये सब बोल थे, धड़ 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 ये सब, ये अब इसमें इसको चाहे आप तंत्रकारी कहें कुछ कहें, अब मुझे लगता है गतें अपने आप में अगर आप उनको ढंग से सुन लें उसमें कोई विरोधाभास नहीं है, उसमें तंत्रकारी भी आती है, उसमें गायकी भी आती है, वो घराना कोई भी हो, चाहे वो उस्ताद कोई भी हो, वो बजाने वाला कोई भी हो, वो सब कुछ आता है। जैसे अब इतना कह दिया तो वो तक आ गया, अब ये याद रखते हैं कि ये जो इस किस्म की जो फ्रेजेस हरकतें जो आती हैं, अब ये पर्दों पे नहीं आनी थी, ये गले की जाए, पर्दों पे क्या कर लेंगे आप, ये गायकी आ गया इसमें तो, और तंत्रकारी कहीं भाग नहीं गए थे, अब बहुत सारी बंदिशें जो ख्याल की हैं वो एज इट इज ले ली जाती है, स्लो डाउन, स्वरों को स्लो डाउन करें, गायकी में स्वरों को बहुत स्लो डाउन करना पड़ता है, उनका सस्टेन बढ़ाना पड़ता है, उसके लिए साज ऐसे चुनें उनका। अब देखें आज ये जो सितार मैं बजा रहा हूँ ये डी शार्प से और ई के बीच का सितार है, क्योंकि मुझे लाइट म्यूजिक बजाना था, और अगर कुछ गंभीर राग लेने होते हैं तो वो मैं डी का सितार लेता हूँ और या कभी कभी उसको सी शार्प पे रखता हूँ। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका साज का चुनाव, राग का चुनाव, उस राग का मिजाज के अनुसार उन साजों की साउंड। अब रईस खान साहब ने इस पिच पे बजाया ज्यादा करके, तो ये भी बहुत मैटर करता है। बहुत दुनिया में ऐसा समुद्र है ये संगीत, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, साजों को लेके, उस पे बजाने को लेके, सीखने को लेके, और मैं बहुत बहुत आभार उन सब का करना चाहता हूँ जो हमारे इस संगीत की विद्या को सीख रहे हैं, चाहे वो चार लाइन ही बजाते हैं, वो आज चार लाइन बजाते हैं, हम भी ऐसे थे, वी ऑल आर इन द सेम पाइपलाइन, और हम थोड़े उम्र में बड़े हो गए, थोड़े 58 साल सितार बजा लिया, आपको 2 साल हुए, आपको भी कल को 10 साल हो जाएंगे, 20 साल हो जाएंगे, 50 साल हो जाएंगे, आप भी हमारे जैसे बनेंगे, हम कोशिश में हम अपने बड़ों जैसा बन जाए। सो इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस जो कि लगातार चलता रहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। मैं राजेश जी, जी सर, मैं अपने लिए भी अपने विद्यार्थियों के लिए भी एक चीज जानना चाहता था। आपने उस्ताद विलायत खान साहब का सानिध्य प्राप्त किया है जी, तो मैं ये जानना चाहता था कि ये दो शैली मान भी लेते हैं अगर
हम किताबों में भी या हमारे सिलेबस में भी होती है जी, कि ये दोनों शैली की क्या विशेषता जी, तो क्या इनके शिक्षण में, जैसे खान साहब के जो शागिर्द हैं या उनके उनके शिक्षण में कोई ऐसी चीज बताई जाती है कि वो हाथ उस तरह का रखाव तैयार करने के लिए आपको ये चीज ज्यादा आपको बजानी है? और अभी हमें मौका लगेगा पंडित रविशंकर जी के शिष्यों में से, तो मैं भी उनसे पूछूंगा ये बात, लेकिन दे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या विलायत खान साहब के जो फॉलो करते हैं, तो क्या उनकी कोई विशेष शिक्षण पद्धति या विशेष हथौटी जिसको हम कहते हैं पुराने शब्द में, जी जी, तो वो क्या कैसे शुरुआत करते हैं, कैसे सिखाने की शुरुआत करते हैं? उनके उनके तो वंशों के पास तो है वो, लेकिन आप जब गए तो आपने कैसे उनको लिया या आपको कैसे उन्होंने शुरुआत की, कुछ एक दो मिनट? हाँ, जरूर, आई गॉट इट। देखिए, जब मैं गया तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल नया था एक तरीके से, और मैं अपने इसमें मैंने बातचीत में भी कहा, किसी भी उस्ताद तक जाने तक का रास्ता पहले से ही तय होता है। इट्स ऑलवेज कि आप उस रास्ते पे हैं बिल्कुल, तभी कोई उस्ताद आपको लेता है। अदरवाइज शुरू दिन से अगर कोई, मैं चाहूँ कि मैं आपका हाथ ऐसा बना दूं या किसी और का, मैं तो बना नहीं पाया अपनी उम्र में, क्योंकि मेरे भी जितने शागिर्द हैं वो भी डिफरेंट है। अगर किसी को किस किस्म का उसमें रुझान है, मैं उसको वैसा सिखाता हूँ, वैसी गतें सिखाता हूँ जो बिल्कुल पूरा गायकी। हाँ, ये जरूर है कि तालीम वहाँ गाने से ही होती है, सितार पकड़ के तालीम नहीं हुई कभी भी, बहुत कम था कि खान साहब सितार लेके बैठे यहाँ से, और दोहराने का तो मतलब ही नहीं है किसी चीज को दोहरा दें। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप मेरा राइट हैंड देख पा रहे हैं, ये सितार का आवाज एक जगह से नहीं निकलता। नाउ वी ऑल नो कि इसमें ये, दिस इज द लाउडेस्ट साउंड, एक तो जो साथ में जो सपोर्ट तार हैं उनको छेड़ते रहने से उसमें एक भराव रहता है, एक एक बिल्कुल जो स्वर कभी ऐसा लगेगा इनकी आवाज गायब हो गया था, है? और ये डिफरेंट जगहों से डिफरेंट टोन्स निकलती हैं। और आपने देखा होगा हम लोगों का हाथ ज्यादा राइट साइड में रहता है, यहाँ बहुत कम बजता है, अंगूठे के बिल्कुल अपोजिट है, नहीं बजता है, ये राइट हैंड में रहता है, उससे ये थोड़ी शार्प टोन आती है। और नीचे से अब गा बजाया, सातवें सितार को टच किया तो उसको जगह मिल गई लंबा में, राइट हैंड को जो हमारा मिजराब है उसका जो इधर इस तरफ रहता है थोड़ा ऐसे, उसके सामने नहीं रहता, और ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं रहता, इधर तो बिल्कुल भी नहीं आता, ये नहीं रहता। बहुत लोग बजाते हैं, ठीक है, उनका मिजाज है, बजाएं, वो ऐसे बजाते हैं या ऐसे, हम लोगों का और जब लाउड कहनी होते हैं तब हम इधर आते हैं। सावन के दिन है, ये देखो ये सितार तार के साथ सटाई बिल्कुल सट के बज रहा है, अब ये इधर चला गया, ये नीचे से आ गया, ये तो हो गया राइट हैंड का। और बहुत सारे जब गायकी बजाना होता है तो स्ट्रोक्स कम करने पड़ते हैं, जैसे जितने स्वर बज रहे हैं उतने मिजराब तो नहीं बज रहे हैं, अब इधर में जी। अब निखिल बनर्जी को मैं जब उनका नाम बहुत इज्जत से इसलिए लेता हूँ कि he was blend of all the sitaris, all the great sitaris। अब मैंने बचपन में उनकी चीजें भी रियाज की, I'm
कुल मिला के ये कि आप कहीं से भी सीखते हैं, जब आपका एक स्पेसिफिक बजाने का मिजाज स्टाइल हो जाता है तो वो चीजें सारी उसमें रम जाती हैं आगे। मेरे ये सब चीजें भी मेरे उस्ताद के स्टाइल में ही रम गई जी। तो बस बस यही एक फर्क है। और दूसरा ये कि गा गा करके ही तालीम हुई, वो गा रहे हैं, निरंतर गा रहे हैं। और सब लोग जानते हैं कि सितार में किसी जमाने में उनका रुझान गाने से कम था। ही वाज ए प्रोफेशनल सिंगर जो कि गाने के प्रोग्राम किया करते थे। वो उनकी माताश्री ने उनको अपना खानदान का, अपनी परंपरा का वो हवाला देते हुए बोला कि नहीं तू इनायत खान का बेटा है तो सितार ही बजाएगा इसको। तो उसके बाद उन्होंने फिर स्टेज पे जितना सा जरूरी होता था समझाने के लिए कि मैं क्या करता हूँ सितार, क्योंकि ये बड़ी कन्फ्यूजन बड़े सालों तक रही। कुल मिला के ये सितार आपका हो, सितार मेरा हो, सितार ए बी सी डी किसी का भी हो, वो अगर अच्छा बजता है संगीत की तो एक ही परिभाषा है। हम लोग इसके बीच में ज्यादा ना घुसें कि ये क्यों क्या कैसे कुछ। वो अच्छा बजाइए, वो ये नहीं है कि वो आजकल एक कहावत है मेरे किसी दोस्त ने कही, आप हंसे गए कि मेरा कुत्ता तो टॉमी है आपका कुत्ता कुत्ता है। अरे भाई सब सबका संगीत वो ही है, सब सारेगा, सब सब राग, सब गाना बजाना ये वो सब कुछ सबका एक जैसा ही है। इसलिए सबको प्रणाम, जो भी इस संगीत को करते हैं उन सबको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर से आपने इतनी सुंदर बातें बता दी इतनी सी देर में, एक प्रश्न के उत्तर में इतनी सारी सीख और मिल गई है। और जो ग्रहण कर सकते हैं वो जरूर इसमें बहुत सी चीजें सीख लेंगे और ग्रहण कर लेंगे। सबसे जरूरी है संगीत के प्रति प्यार होना और टू लिव एंड ब्रीद म्यूजिक, जो कि आप कर रहे हैं और आपके संगीत में आपके संगीत के प्रति जो विचार है उसमें ये चीज भली भांति दृष्टिगोचर हो रही है। सभी के लिए मैं बताना चाहूंगी मेरे गुरुजी पंडित सतीश चंद्र जी, जिनसे मैंने सितार सीखना प्रारंभ किया और आज भी समय समय पर उनसे मार्गदर्शन उपस्थित है, मैं उनको प्रणाम और चरण स्पर्श करती हूँ। मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो सर तो मेरे को क्षमा करिएगा। साथ ही हमारे इस व्याख्यान माला में कल पंडित रविन्द्र नारायण गोस्वामी जी का व्याख्यान है, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं, और विदुषी अनुपम महाजन जी, विदुषी प्रोफेसर अनुपम महाजन मैडम भी हमारे साथ उपस्थित हैं आज। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैडम से भी मैंने समय समय पर इंस्पिरेशन लिया है और मार्गदर्शन प्राप्त करती रहती हूँ उनसे। तो आप सभी को मेरा प्रणाम। और अब मैं ये जो सत्र है ये अब समापन की ओर चल पड़ा है, तो अब मैं डॉक्टर फर्ना खुंटिया जी, जो कि रोज हमारे साथ जुड़ी रही हैं इस व्याख्यान माला में और हमारे वाद्य विभाग में वायलिन के फैकल्टी हैं, आज हमारे साथ वो इस व्याख्यान में भी जुड़ी हैं और मैं उनका स्वागत करती हूँ। उनसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन कर इस सत्र का समापन करें। नमस्कार सभी को, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी मैम जी, थैंक यू। नमस्कार टू ऑल एमिनेंट स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड अब्रॉड हु आर लिसनिंग टू दिस वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी नॉलेजेबल lecture today, and our Faculty of Performing Arts, Department of Instrumental Music, is organizing this lecture series, which is very good for all the music aspirants who are watching it. So namaskar to all. I'm very thankful to Dr. Supriya Shah for giving me this opportunity to thank you all in this session. First of all, I would like to extend my gratitude and namaskar pranam to Pandit Harvinder Sharma ji, who has always been an inspiration to me as far as my music is concerned. So
सर प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम प्रणाम। बहुत छोटी हूँ आपको धन्यवाद करने के लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं हमेशा आपकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ और मेरी जो सांगीतिक जर्नी है उसमें मैं आपके हर एक प्रोग्राम्स और आपकी जो भी पोस्टिंग्स आती है फेसबुक में और उसमें, तो मैं हमेशा उसको फॉलो करती हूँ और मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। ये मेरी मतलब सौभाग्य है कि आप आज हमारे डिपार्टमेंट की ये जो आयोजन है उसमें आप शिरकत किए और हम लोगों को इतना अच्छा इनपुट आपने दिया और इतना जो एक सोच संगीत के प्रति होनी चाहिए सारे जो भी संगीत कर रहे हैं, जो भी संगीत प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो इसमें जुड़े हुए हैं, एक इतनी अच्छी सोच आपने दिया कि ये रख के अगर हम संगीत के प्रति अपना जर्नी करते जाएं तो डेफिनेटली वील बी ब्लेस्ड टू रीच टू दैट एंड वी विल गेट दैट एसेंस ऑफ म्यूजिक एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प अस टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग एंड ऑब्वियसली इफ यू विल वर्क ऑन दैट देन डेफिनेटली यू विल अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर जर्नी। सो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूरी संकाय और डिपार्टमेंट के तरफ से, और मैं बहुत आभारी हूँ कि आप ये इतना सुंदर हम लोगों को इनपुट्स दिए हैं और वील कैरी इट एंड वील डेफिनेटली ट्राई टू इम्बाइब ऑल दोज थिंग्स इन आवर म्यूजिकल जर्नी ऑल्सो। आई मस्ट थैंक टू प्रोफेसर संगीता सिंह मैम कि जो इतनी बड़ी जो आयोजन यहाँ पे की है हमारे डिपार्टमेंट के तरफ से, जो कि गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस एंड म्यूजिक लवर्स ऑल आर एसोसिएटेड विद दिस सेमिनार लेक्चर सीरीज। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैडम आपको कि और ऐसा बहुत बहुत अच्छा अच्छा काम आप करते जाइए और हम लोगों को सबको जो है ये सुंदर आयोजन की लाभ हम लोग उठा सके। आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर डीन प्रोफेसर राजेश शाह जी हु इज ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस टू ऑर्गेनाइज सच क्यूज एक्टिविटीज इन आवर डिपार्टमेंट। सो वेरी थैंकफुल टू हिम एंड ही हैज डन लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑल्सो एंड आई मस्ट थैंक हिम दैट ही कुड arrange and he could बहुत लोगों को इसमें जुड़े हैं। हम आज देख पा रहे हैं कि हमारे साथ जो गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस एंड सब लोग जुड़े हैं, प्रोफेसर एंड ऑल, प्रोफेसर पुष्पा बसु मैम, आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू केम टूडे। मेरी प्रणाम आपको भी। एंड आई कैन सी सरखेल जी, सभ्यसाची सरखेल जी, प्रोफेसर सभ्यसाची सरखेल जी, प्रोफेसर संजय बंदोपाध्याय जी, रविन्द्रनाथ गोस्वामी जी, प्रोफेसर साहित्यनार जी, अनुपम महाजन जी, प्रोफेसर अनुपम महाजन जी, प्रोफेसर सतीश कुमार श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर अनिल बिहारी बिहार जी, प्रतीक चौधरी जी, ऑल गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस एंड एजुकेशनिस्ट एंड एकेडमिशियंस दोज हु आर विथ अस, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम हमारे साथ जुड़ के हम लोगों की उत्साहवर्धन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं सभी फैकल्टी मेंबर्स को भी साधुवाद देना चाहूँगी कि सभी लोग इसमें जुड़ के हम लोगों की उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो मैं हमारे संकाय के सभी वरिष्ठ प्रोफेसर्स वीरेंद्रनाथ मिश्रा जी और सभी प्रेमकिशोर जी, प्रोफेसर संगीता पंडित जी, प्रोफेसर रेवती सकलकर जी और सभी लोग जो इसमें जुड़े हैं, अगर मैं नाम छूट रहा है तो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि सभी लोग हम लोग इस माध्यम से, इस वर्चुअल माध्यम से हम लोग जुड़ के रह रहे हैं और एक दूसरे का हौसला अफजाई कर रहे हैं। सो सभी को धन्यवाद। और सभी
स्टूडेंट्स पूरे देश भर से जो इस आयोजन की लाभ ले रहे हैं और सब सीख रहे हैं और इतना सुंदर सुंदर बात उन लोगों को सुनने को मिल रहा है। मैं आशा करती हूँ कि वो लोग बहुत कुछ इसमें से वो ले भी रहे होंगे अपने साथ और इसके ऊपर वो लोग धीरे धीरे अपना काम भी शुरू कर लेंगे और इसकी पूरी लाभ उठाएंगे। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सुप्रिया शाह जी क्या कि इतने सारे विद्वानों को एक साथ एक ही मंच पे आप इकट्ठा किए और हम लोगों को बहुत ही सुंदर इनपुट्स जो दे रहे हैं। इट विल बी अ ह्यूज टेक अवे फॉर ऑल ऑफ अस। हम ही लोग सभी लोग इसमें से कुछ ना कुछ रोज हम सीख रहे हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने सभी कलाकार को आप यहाँ पे इकट्ठा किए हैं। तो आपको बहुत सारा धन्यवाद सभी को नमस्कार। ये सत्र समाप्त हो सुप्रिया जी उसके पहले 5 मिनट का ये अनौपचारिक सत्र होगा। मैंने प्रोफेसर पुष्पा बसु मैडम से वादा किया था कि मैं सबसे आपको मिलाऊंगा क्योंकि वो निकल नहीं पाती हैं घर से। तो अभी जितने लोग उपस्थित हैं हम लोग एक बार आप बात कर सकते हैं प्रोफेसर पुष्पा बसु मैम से और आपस में 5 मिनट के लिए। धन्यवाद सभी को नमस्कार। प्रणाम मैडम। नाम भी बता देंगे उनको। मैडम को अनम्यूट करें प्लीज। जी हो गया नहीं वहां से करना होगा उनको। सतीश जी आप वहां हैं जी? सतीश जी अभी हुआ जी आप बोले मैडम। हाँ मैं सुप्रिया साहब को बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ आशीर्वाद भी देती हूँ क्योंकि मुझसे बहुत छोटी हैं। मेरे रिटायर होने के बाद उनका अपॉइंटमेंट हुआ इसलिए पर बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर रही हैं सब कुछ प्रेजेंट करना बोलना टालना सब बहुत अच्छा है इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। जी मैडम हम लोग के साथ अरविंदर शर्मा जी तो है ही हैं और सव्यसाची जी भी हैं प्रोफेसर अनुपम महाजन जी हैं सुदीप्ता जी हैं। तो रविंद्र शर्मा जी से जरा मैं एक मिनट मिलना चाहूंगी। जी आपके सामने अभी वो सव्यसाची जी हैं। नमस्कार भैया नमस्कार। चलिए आपसे भी जुड़ना हुआ हरविंदर जी हैं आपके सामने। शर्मा जी नमस्कार। सुनाई नहीं पड़ी उनकी आवाज उनका प्लीज अनम्यूट किया जाए सर का। संबंधित बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई सुनने को नहीं मिलती है सब आपका आशीर्वाद है मैम आपका ही छत्रछाया में बड़े हुए हम लोग। आपकी पिताजी से मेरा बहुत अच्छा संबंध था जी जब भी चंडीगढ़ जाती थी तो मेरे लिए वो एक सितार जवारी करके रख देते थे। जाने पर हम चंडीगढ़ तो बहुत जाना होता था हमारा। हाँ जी तो एज ए विजिटिंग फेलो और सेमिनार में इसमें उसमें तो ये सितार वो बना के रख देते थे। जी मैडम बहुत अच्छा उनसे मेरा व्यवहार था। बहुत प्रणाम आप आज रहे सारे प्रोग्राम में आपका आशीर्वाद मिला मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत पुराना परिचय है मेरा। जी आई नो मगर 40 साल करीब हमारा परिचय हो गया आपस में। आराम से जी चलिए आप इससे इस व्याख्यान माला में जुड़े बहुत अच्छा लगा। बस आपके दर्शन हो गए इसके लिए राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको आज ला पाए प्रोग्राम में और आपका मेरे को पुनः आशीर्वाद मिला एक बार। थैंक यू सो मच। Have a touch.
ये आपके सामने पुष्पम मैडम हैं दिल्ली से, अनुपम मैडम, अनुपम मैडम जी। मैंने मेरा मिलना तो नहीं हुआ है, वैसे नाम बहुत बार सुना है वैसे सुदीप्ता से, क्योंकि सुदीप्ता हमारे यहाँ की है, सुदीप्ता हमारे यहाँ की है तो मैडम को अनम्यूट किया जाए प्लीज। अनुपम मैम आपका अनम्यूट होना है। हेलो जी मैम, कैन यू हियर मी? यस मैम, यस मैम जी। प्रणाम मैडम, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आपसे मेरा मिलना नहीं हुआ पर आपके बारे में इतना सुना है और आज आपका आशीर्वाद मिला है, ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए। सेमिनार में मुझे जाने का मौका मिला था जी जी, आपके यहाँ सेमिनार थी मैं। हाँ, तब आपसे बहुत छोटी मुलाकात हुई थी, बहुत छोटी मुलाकात थी वो, पर आज आपको अच्छे से सुना, बहुत अच्छा लगा। और राजेश जी ने इतना संभव कर दिया सबको जोड़ के, ये तो एक मिरेकल कर दिया इन लोगों ने, आपको लेकर आना और हम सबको आशीर्वाद देना, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो वैसे कहाँ कौन मिलता है। जी जी, मैं थोड़ी इधर इसलिए और भी, पर राजेश जी ने मुझे इससे जोड़ करके मेरे लिए सब कुछ संभव कर दिया जैसे लगता है। जी बिल्कुल, एक लड़ी में बांध दिया है उन्होंने सबको। सर मैडम आशीर्वाद बनाइए रखिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज होती है आगे ले जाने के लिए सबको जिंदगी में। क्या लगा मिल करके सुदीप्ता जी? मैडम सुदीप्ता जी आपके सामने हैं। सुदीप्ता से तो खैर मेरा बहुत फोन पर बहुत 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 प्रणाम दीदी। और राजेश भाई ने आज ऐसा बड़ा पुण्य कमा लिया है कि हमें बनारस बुला लिया और आपके दर्शन करा दिए। और आप बनारस की हैं? आप बनारस की हैं? हाँ बिल्कुल हूँ मैं, क्योंकि मेरे इन लॉज बनारस के ही हैं और बनारस में ही इनका बचपन से लेके बड़े तक बीता है। और दीदी के दर्शन हो गए मुझे, ये बहुत बड़ी बात करा दी राजेश भाई आपने। दिन हम लोग के साथ रही हो हॉस्टल में, मेरे घर इतना आना जाना बजाना साथ बैठना उठना सब कुछ था। आपसे तो दीदी क्या बताएं, जो आपके साथ आत्मीयता है वो तो कहीं नहीं जा सकती है, क्योंकि आप मेरे दिल में रहते हैं और मैं आपके दिल में रहती हूँ ऐसा लग रहा है। और अब सारे बनारस के जितने भी विभाग के लोग हैं वो जैसे बता नहीं कब कितने जन्मों से अपने ही हैं। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इस डिपार्टमेंट ने इतना बड़ा काम ले लिया है और इसको बहुत बखूबी निभा रहे हैं ये लोग, कितने सुंदर सुंदर आयोजन कर रहे हैं। कल ही राजेश भाई से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अरे मैं अभी तुरंत भेजता हूँ आपको लिंक, तो मुझे बहुत बहुत खुशी। अलग हुए 20 साल हो गए लेकिन अभी भी मुझे उतना ही लगाव और प्रेम फैकल्टी से है कि मैं क्या बताऊं। मुझे जुड़ नहीं पा रही हूँ, कुछ बात नहीं हो पा रही कुछ नहीं, लेकिन खैर हो गया। चलो बहुत तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत इतनी खुशी हो रही है कि आपके दर्शन करके। और ये सारे आयोजन इतने अच्छे थे, अरविंदर जी का भी बहुत अच्छा है ही उनका तो, और इतना अच्छा व्याख्यान था जो कि कहा नहीं जा सकता। बहुत पुराना संबंध है, इनके फादर मुझे बहुत मानते थे जी, तो उनके फादर हमारे हमारा जब जाना हो वहाँ हमारा, तो जब हम बजाया भी बहुत है चंडीगढ़ में तो हमारे लिए एक सितार जवारी वारी करके वो रख देते थे बड़े। अच्छा। मैडम आपके सामने अब प्रतीक चौधरी जी। नमस्कार नमस्कार भाई प्रतीक जी। नमस्कार मैडम प्रतीक चौधरी, बहुत अच्छा लग रहा है आप से प्रत्यक्ष रूप में तो मुलाकात नहीं हुई है, मगर आपके बारे में बहुत सुना है। सेमिनार में मैं गई थी तो हुई थी बात की। हाँ जी तो आप दोबारा जल्दी आए हैं हमारे पास, कोई मौका दूसरा लगे। अच्छा नहीं वो तो कई बार आए हैं, बहुत एक बार इंटरव्यू में भी आए थे हमारे, और इसके अलावा भी एक बार और किसी काम में आए थे, एक बार एग्जाम लेने आए थे, तो इसलिए उनसे तो बहुत बार मिलना हुआ है।
बहुत अच्छा आपके दर्शन फिर से हुए आज तो। थैंक यू प्रतीक जी, आप आए। राजेश जी को भी बहुत धन्यवाद, बहुत सब लोग मैडम मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग को अगला सत्र शुरू करना है और प्रोफेसर अनिल बिहारी व्यवहार जी हम लोग के सामने आएंगे, लेकिन उसके पहले प्रोफेसर संगीत साहित्य कुमार नाहर जी। नमस्कार नाहर जी, आपका आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ, अब आवाज जा रही है जी जी। हाँ हाँ मैडम पुष्पा जी, बहुत बहुत सप्रेम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई, बहुत आपसे भी तो बहुत पुराना परिचय है। बहुत पुराना है जी जी। और आपसे तो जब 80s में जब BHU आया करते थे, प्रोफेसर राजभान सिंह जी और ये लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, गंगराड़े साहब थे जी। उसी बात इलाहाबाद जाने का भी हमको। हाँ हाँ, आप इलाहाबाद कई बार? नहीं, इलाहाबाद तो मेरा ओल्ड शहर है, इलाहाबाद तो हमें बहुत प्रिय है। हम 6 साल इलाहाबाद में रह के पढ़े, महादेवी जी हमको पढ़ाती थी विद्यापीठ में। सर राजेश जी, जी सर जी को पूरी टीम, संगीता जी, सुप्रिया जी, कि ये समागम जो विद्वानों का हो रहा है और पुष्पा जी के भी दर्श परस हुए आज, बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू सभी को। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं केवल एक माध्यम हूँ, बाकी सारा काम डॉक्टर सुप्रिया शाह जी और हमारी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीता सिंह जी ने किया है, मैं केवल एक एंकर की भूमिका में अभी हूँ। मैंने परसों एक पंक्ति कही थी, कुशल नेतृत्व कर्मठ जो है प्रस्तुति और सबका सक्रिय और सहयोगात्मक रवैया, ये बहुत काम करता है। तो सब लोग आपको आपका आशीर्वाद बना रहे बस जी। मैडम आपके सामने जी को फिर से नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। सव्यसाची जी, आपका नेतृत्व सराहनीय है राजे जी का, आपका आशीर्वाद है मैडम, बस आप ही लोगों से सीखा है। अरे बहुत अच्छा लगा, आप मतलब सबका ध्यान रखा चारों तरफ से, सबको जोड़ करके जी। आपके सामने सव्यसाची सर है। सव्यसाची जी से भी हो गया मिलना जी। और अभी प्रोफेसर अनिल बिहारी व्यवहार जी। नमस्कार, मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम पुष्पा जी। अब खैरागढ़ जाना नहीं होता है, तो खैरागढ़ जाते थे अनिल भैया के घर, जो है हम लोग का नाश्ता तो पक्का था, रहता था हमेशा। अभी अभी आपके सामने सव्यसाची जी हैं मैडम। हाँ हाँ, सव्यसाची जी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार, इसी बहाने मिलना हुआ, बहुत बड़ी बात है। चलिए आपका कार्यक्रम। प्रणाम प्रणाम पुष्पा जी, मेरा प्रणाम ग्रहण कीजिए। नमस्कार। अब खैरागढ़ जाना नहीं होता, नहीं तो जब जाना होता था तो आपसे बहुत आपके सामने मैडम अनिल बिहारी व्यवहार जी हैं। नमस्कार भैया, नमस्कार। जी सर, अब आपका सेशन ही अब शुरू करेंगे हम लोग, 1:30 बजने वाले हैं। आपका माइक अनम्यूट नहीं है सर, यहाँ से करवा दूं? यहाँ से कर। हाँ, क्योंकि आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी जी जी, अब मेरी आवाज आई? जी आ रही है, आ रही है जी। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। पुष्पा मैडम से बात हो रही है आपकी। हाँ जी मैडम, नमस्कार। बहन जी नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम मेरा आपको। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ आपसे। जी जी, बहुत दिनों के बाद मुलाकात आपसे हो रही है। पहले तो हमारा जाना होता था खैरागढ़ में, साल भर में एक दो बार जाते थे। जी जी जी, से बंद हो गया। अच्छा लगता था, आप आती थी ना तो आपके सामने तो पढ़े हम लोग ना बनारस में, आपके घर में सुबह सुबह का नाश्ता होता था। अच्छा ठीक है जी 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 मैडम, अब हम लोग अभी इस सत्र को यहीं समाप्त करके ज्ञानेश जी आप सामने आए और अगले सत्र का संचालन करें। बहुत धन्यवाद सभी को।
ज्ञानेश जी सर प्रणाम सर आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ, हम लोग तुरंत शुरू करें सर ना क्लास से, ब्रेक तो नहीं जरूरत है। बस एक मिनट रुके। कितना टाइम अभी हम लोग के पास? 5-6 मिनट हैं, हम लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं 5 मिनट? हाँ 5 मिनट का ब्रेक अगर कर लें। जी जी मैं ब्रेक नहीं करता हूँ, अब इसको चालू रहने देते हैं क्योंकि हाँ लोग जुड़ जाए।